अपने काम को कल पर टालने की आदत सुधारिए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि बर्फ़ पिघलकर पानी हो जाए, यानी घर आया अवसर हाथ से निकल जाए। जीवन में कोई भी विपत्ति आए तो आपत्ति मत कीजिए, दूध फटने पर वे ही परेशान होते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाना नहीं आता। केवल दर्शक बने रहेंगे तो हज़ारों भीड़ में खो जाएंगे, पर खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरेंगे तो हज़ारों दर्शक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाएंगे।